हाय फ्रेंड्स, मैं हरेन सिंह परमार आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा देखने वाला हमारा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी जो भर्ती आई है तालवेट में, तालवेट आर्मी भर्ती 2019, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि ये भर्ती का एड्रेस क्या है और ये कहाँ पर होने वाली है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये वाली भर्ती झांसी से 45 किलोमीटर की दूरी पर तालवेट उत्तर प्रदेश में है। जिस कॉलेज में हो रही है उस कॉलेज का नाम है मर्दन सिंह कॉलेज। अब मैं वहाँ पर आपको ये बताऊंगा कि वहाँ पर क्या सुविधाएं मिलने वाली है आपको और आपको कैसे उस ग्राउंड में पहुँचना है, रजिस्ट्रेशन से कितनी दूरी पर है और वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या फैसिलिटी हैं आपको रहने के लिए, खाने के लिए और भर्ती ग्राउंड की स्थिति क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप जैसे ही आप स्टेशन पर उतरोगे, वहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पर है मर्दन सिंह कॉलेज ग्राउंड है, जहाँ पर आर्मी का कैंप लग चुका है। अब भी आप वहाँ पर नहीं जा सकते, वहाँ पर फोटो नहीं खींच सकते, ग्राउंड की जानकारी नहीं ले सकते, पूरा ग्राउंड हमारा कवर्ड हो चुका है। तो जो लड़के दूर से आएंगे वो ध्यान से सुन लें और इस वीडियो को इतना शेयर करें उन भाइयों तक जरूर पहुँच जाए जो दूर से बेचारे आ रहे हैं परेशान होकर भर्ती देखने के लिए, तो उनको कोई परेशानी ना हो, उनको दौड़ने में कोई वीकनेस ना आए, इससे सारी सुविधाओं का वो पूरा फायदा उठा सकें। फ्रेंड्स, आप सभी सबसे पहले तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे एक गेट बना हुआ है, चारों तरफ से दीवार से कवर्ड है, तो गेट पे ही आपकी हाइट और आपके डॉक्यूमेंट चेक हो सकते हैं। तो इसलिए आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ में रखें, जैसे कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आपका टेंथ का सर्टिफिकेट हो गया, आपका कलर फोटो हो गए, इसके बाद आपके जितनी भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अगर ऐसा कुछ है तो आप ज़रूर रख लीजिए, क्योंकि एड्रेस जितना जाना उतना अच्छा है। इसके बाद सबकी दो दो कॉपी जेरॉक्स करके रख लीजिए, कलर फ़ोटो भी रख लीजिए 5-6-7। इससे क्या होगा कि आपको एक्स्ट्रा आपका समय बर्बाद नहीं होगा और आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे फ़ोटो स्टेट की दुकानें वहाँ से दूर हैं, पास में नहीं है। आर्मी वालों ने कुछ दुकानें वहाँ से खाली भी करवा दी हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि वहाँ पे क्या क्या सुविधा हैं। तो वहाँ पे फ्रेंड्स, जैसे कि आपको ध्यान होगा कि टीकमगढ़ में इस बार सबसे अच्छी भर्ती हुई थी, सबसे अच्छी फैसिलिटी हुई थी, वहाँ के डीएम साहब थे उन्होंने वहाँ पे एक नंबर की फैसिलिटी दी थी, लेकिन जो कि उनके लिए एक चुनौती थी, तो उसी की रिगार्डिंग यहाँ पे भी सभी का फोकस है कि भर्ती एक नंबर का है, भर्ती को समारोह की तरह यहाँ पे हम लोग यहाँ पे उसको कंप्लीट करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे मेडिकल की भी सुविधा, यानी कि एम्बुलेंस रहेगी, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है दौड़ने में, अगर बेहोश होते हो, मूर्छित होते हो, या फिर आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, आप थक चुके हो, वीकनेस आ गई है, तो आपको ग्लूकोज भी मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे आर्मी वालों ने भर्ती में ये सब व्यवस्थाएँ रखी हैं। जैसे कि टीकमगढ़ में 25 रुपये में थाली मिल रही थी कैंप के अंदर, यहाँ भी वही प्लानिंग चल रही है कि लड़कों को खाना अंदर दिया जाए या बाहर, क्योंकि आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये सुविधा हो सकती है आपके लिए, जो कि बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है। फ्रेंड्स, अब बात हम लोग करते हैं रुकने की। तो उन्होंने अंदर एक टेंट लगा रखा है जो कि आपको वहाँ पे वो लोग रुका सकते हैं, इसलिए आप कोशिश कीजिए शाम को 4-5 बजे वहाँ पर पहुँच जाएँ और पूरी जानकारी इकट्ठा कर लें और आराम से रात को आराम करें, ज़्यादा बातें ना करें, ज़्यादा नींद को कम्प्लीट करें, जिससे आपको दौड़ने में और बीमे मारने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो भी अगर आपके डॉक्यूमेंट अधूरे हैं उस समय, तो वो भी आप पूरे कर सकते हो मार्केट में जाके, जैसे कि आपका जेरॉक्स नहीं है तो मार्केट में आप कम्प्लीट कर सकते हो। फ्रेंड्स, इसके बाद अब बात आती है फ्रेंड्स ग्राउंड की। तो ग्राउंड में आपको बता देना चाहता हूँ, ये बहुत खुशखबरी है आपके लिए, ग्राउंड एक नंबर है, बहुत अच्छा है। वहाँ कंक्रीट वाला ग्राउंड है, वहाँ पर कंक्रीट वाला ग्राउंड है, जो कि आप जूते पहन के बहुत अच्छे से दौड़ सकते हो। और जो भाई जूते पहनने की आदत नहीं है, ओनली उनको 4 ही राउंड मानना है, तो कोशिश करें कि जूते पहने, अगर जूते नहीं पहन रहे हैं वो, तो उनके लिए वो भी दौड़ सकते हैं। बड़े बड़े कंकड़ नहीं है, बालू टाइप के हैं, रेत जैसे हैं, तो आप उसमें भी कंप्लीट अपनी रनिंग कर सकते हो, जो कि 60 मार्क्स ला सकते हो आप वहाँ पर भी। इसके बाद तुरंत वो बीमे मराएंगे वहाँ पे, तो आप कोशिश करना कि कभी कभी क्या होता है कि दौड़ने के बाद पसीना बहुत तेज़ आता है, तो हमारे हाथों में भी पसीना आता है, तो जब भी हम बीमे मारते हैं तो हाथ हमारे स्लिप मारते हैं, तो अपने ऊपर या तो बनियान को पैर रखें या टी शर्ट को साथ में रखें या रूमाल रखें, जिससे क्या होगा कि आप पसीना हाथों का साफ़ कर सकते हो और बीमे मारने में आपको ज़रूर सफल हो जाओगे, ज़रूर सफलता मिलेगी। नहीं तो आपके हाथ स्लिप मारेंगे, अगर पाइप मोटा हो गया तो आपको पकड़ने में दिक्कत आएगी। और फ्रेंड्स, आप अभी से ऐसी तैयारी करके जाएँ बीमों की, जिससे आपको वहाँ पे बीमे लगाने में कोई परेशानी ना हो। फ्रेंड्स, क्या होता है कि कोई लड़का मान लो लूज पड़ गया,
या ढीला है, उसने कभी बीमे नहीं मारी, वो आपके साथ में पड़ गया तो आपको बहुत परेशानी आ सकती है, क्योंकि आप वहाँ जब तक लटके रहोगे जब तक वो लड़का अपनी जैसी भी पोजीशन लाने वाला उसमें नहीं आ जाएगा। यानी कि अगर कोई भी आर्मी का ऑफिसर अगर आपकी बीमे लगा रहा है और दूसरा बंदा ढीला पड़ रहा है तो आप उस समय लटके ही रहोगे। इसलिए कोशिश करें कि आप 20 बीम मार के जाएँ, कम से कम अभी अभी पार्पन देने, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। कितनी भी झांसी वाला एरिया की 7 तारीख को भर्ती है तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि अभी 7 दिन मिल रहे हैं। मेरी वीडियो ख़त्म होने के बाद आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको असफल होना पड़ सकता है। तो ऐसा आपके सामने संभावना ना आए, ऐसा मौका ना आए जिससे आपको ऐसे दिन देखने पड़े कि आप भर्ती ना हो सको। और एक साल बहुत होता है, वो एक साल में कुछ भी हो सकता है, वो नए रूल नियम आ सकते हैं। इसलिए आप इसी भर्ती में भर्ती हो जाइए तो आपके लिए बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स, मैं आप बता देना चाहता हूँ ये कि आपको भर्ती कैसे निकालना है, यानी कि दौड़ को कम्पीट कैसे करना है। फ्रेंड, जैसे कि मैं पिछले वीडियो में टीकमगढ़ भी में मैंने बताया था, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आप लड़कों के साथ में ग्रुप में रनिंग करोगे तो कोशिश करें कि पहले आप अंडर वाली यानी कि ग्राउंड की जो नीचे वाली लाइन ना पकड़ के ऊपर से कवर करें लड़कों को, वहाँ से कवर करके आप आगे निकलें। अगर नीचे से निकलोगे तो कहीं ना कहीं आपका पैर अगर अंदर पड़ गया ग्राउंड में तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो, जिससे आपको कहीं ना कहीं उसका सामना करना पड़ सकता है, यानी कि आप बाहर कर दिए जाओगे। ऐसी चीज़ों का सामना ना करने पड़े इससे कोशिश करें कि आप थोड़ा ग्राउंड से दूर ही रहें और 2 राउंड कोशिश करें आप ऊपर से दौड़ें, जिससे क्या जो लड़के होंगे जो कमज़ोर होंगे जिसने प्रैक्टिस नहीं किया होगा या पहली बार दौड़ रहे होंगे वो लड़के छट जाएंगे और आप आगे रहोगे। तो जो बंदा आगे चल रहा है उसको आप कवर करके रखें, अगर 50 मीटर की दूरी पे भी है तब भी आप टेंशन ना लें, क्योंकि आपने अगर प्रैक्टिस की है तो आप उसको कवर कर सकते हो लास्ट टाइम। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको आप अच्छे से फॉलो करें और कुछ ना कुछ खाने को ले जाएं। दौड़ने से पहले आप कुछ ना कुछ खाते रहें, जैसे कि बादाम हो गया, चने हो गया या और अदर चीज़ें, केले मेले वगैरह हो गया, जिससे आप अपनी कहीं ना कहीं कैलोरी को सेव करके रख सकते हो और वो कैलोरी आप दौड़ में खर्च कर सकते हो। क्योंकि दौड़ने का कोई समय निश्चित नहीं होता, आपको 12 बजे भी, 2 बजे, 11 बजे जो भी समय होता है, सब खाने का समय है और उस समय अगर दौड़ करोगे तो कितनी भी अच्छी आपने मेहनत की होगी, प्रैक्टिस की होगी, वो भी आपको कहीं ना कहीं वीकनेस आ सकती है, उस समय ही वीकनेस आ सकती है, यानी कि आप थक जाओगे और आपके पैर भर जाएंगे, आप नहीं दौड़ पाओगे। तो फ्रेंड्स, जो मेरा आज का वीडियो था इसका मकसद वही था कि आप ललितपुर 2019 की भर्ती अच्छे से देखें और उसमें कहीं ना कहीं क्वालीफाई होकर दिखाएं, और हमारा जो वीडियो है इसको इतना शेयर करें कि हर उस बंदे तक पहुंच जाए जो इस भर्ती को ज्वाइन कर रहा है, इनकी जो भर्ती देख रहा है। तो फ्रेंड्स, अपने एडमिट कार्ड साथ में ले लीजिए और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जिसकी जिस दिन भर्ती है वो उसमें डेट जरूर डालिए। अगर मुझे लगता है कि भर्ती देखने में थोड़ा समय है 10, 11, 12 तारीख को, तो मैं दूसरा वीडियो उनके लिए लाऊंगा कि आगे आप अगर एक्सीलेंट लाना है, आपको 60 नंबर लाना, तो आप कैसे दौड़ें। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपको 100% फिजिकल कम्पीट करना है, यानी कि 10 बीम कम्पीट करना है 40 नंबर की और 60 नंबर की दौड़ मानना है, तो आप क्या करना पड़ेगा आपको, ये हमारे वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आप नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें, उसको ज़रूर देखें। जय हिंद साथियों।